हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्रप्रकाश और आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से कि सर कहाँ थे आप। बिल्कुल, मेरे पास आप लोगों के कॉल मैसेजेस लगातार आ रहे थे। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मटेरियल बनाने में व्यस्त था, थोड़ा सा फुल डिटेल जो लेक्चर्स थे आप लोगों के, कोर्स वीडियोस जो थे जो बच्चों ने लिए भी हुए हैं UPBCL के लिए, मैं उसमें थोड़ा सा व्यस्त था और आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल बनाने में व्यस्त था। तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ दिनों बाद एक मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा, अनाउंसमेंट करूँगा कि आप लोगों को क्या क्या मटेरियल और मिलने वाला है मेरी तरफ से। क्लियर है इतना पॉइंट? तो इस वजह से थोड़ा सा व्यस्त था और आज से हम लोग अपना फिर से क्रैश कोर्स दोबारा से ज्वाइन मतलब शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर तक कहां किए थे, हम लोगों ने मैग्नेट खत्म किया था। मैग्नेट के बाद आज से हम लोग डीसी मशीन शुरू करने वाले हैं। चार पार्ट के अंदर मैं डीसी मशीन लेके आ रहा हूं, चार पार्ट के अंदर। हां, मैं आपको बता दूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, चार पार्ट के अंदर डीसी मशीन में लेके आ रहा हूं। ये पार्ट 1 का लेक्चर है। क्या क्या करने वाले हैं पार्ट 1 में? हम लोग करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। मतलब डीसी मशीन जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें कंस्ट्रक्शन से लेके क्या बातें हैं, मतलब स्टेटर, रोटर, फिर स्टेटर के कई पार्ट्स होते हैं, योक होता है, पोल होता है, रोटर के कई पार्ट्स होते हैं, आर्मेचर कोर होता है, फिर उसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग लगाई जाती है, कम्यूटेटर लगाया जाता है, ब्रश लगाया जाता है, शाफ्ट यूज होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1 में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। पार्ट 2 में डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर में किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से फंक्शनिंग की जाती है डीसी जनरेटर में, मतलब और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे आर्मेचर रिएक्शन क्यों कैसे आता है, फिर उसका समाधान कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा के कैसे होता है, इंटरपोल लगा के किस तरीके से हम लोग समाधान करते हैं, इंटरपोल का क्या काम है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं, डीसी मोटर से जुड़ी हुई बातें करेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पूरी डीसी जनरेटर से जुड़ी हुई बात करेंगे, यहाँ डीसी मोटर से जुड़ी हुई बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे MCQ। मतलब ऑब्वियसली यार आखिरकार पेपर में तो MCQ ही आना है, आपके क्वेश्चंस क्या बनेंगे इन सब से जुड़े सारी इंपॉर्टेंट बातें हो जाएंगी। आपका डीसी मशीन इतना बढ़िया ब्रशअप हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस पूरा वीडियो देखना है। टाइमिंग में थोड़ा चेंज किया है, टाइमिंग में मैंने थोड़ा चेंज किया है। रोज सुबह 7 बजे आपको अब ये वीडियो मिल जाया करेंगे लेक्चर्स के, और बहुत अच्छी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेके आता हूँ। जो लोग अभी तक वीडियोस से या चैनल से नए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम पे नोटिफिकेशन आता रहे। बहुत बच्चों ने विश्वास जताया है, बहुत बच्चों ने कोर्स भी लिया है और बहुत बच्चों ने विश्वास भी जताया है, वो इन्जॉय भी कर रहे हैं, इनफैक्ट द क्वालिटी को वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 कंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं डीसी मशीन में। देखिए, मैं पहले इसे मिटा देता हूं। तो आप लोग टाइमिंग नहीं क्या है, सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाया करेगा। मैं बहुत सारा मटेरियल भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, आऊंगा नहीं आया हूं, मतलब कुछ दिनों में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। डीसी मशीन जब भी मैं मशीन की बात करता हूँ उसका मतलब उसमें जनरेटर और मोटर दोनों की बात हो रही है, क्योंकि मशीन की बात मतलब वो जनरेटर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। तो आज हम लोग जो पार्ट 1 करने वाले हैं इसमें करने वाले हैं डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन की बात, मतलब कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई बातें करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सवाल क्या बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। तो ये सब आपको पूरा पूरा डिटेल लेक्चर देखना होगा, एक एक इंपॉर्टेंट बारीक बारीक चीज बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछी जाती है। अब मैं कुछ बातों को शुरुआत कर लेता हूं। जैसे मैं डीसी मशीन को मैं जनरेटर या मोटर कुछ भी कह सकता हूं, जाहिर सी बात है मशीन का मतलब उसमें जनरेटर की भी बात हो रही है, मोटर की भी बात हो रही है। जब हम बात करेंगे डीसी मशीन की, डीसी मशीन अपनी आप में है तो एक रोटेटिंग मशीन, मतलब एक घूमने वाली मशीन है भाई, स्टैटिक तो नहीं है। जैसे ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टैटिक मशीन होती है, ऐसी डीसी मशीन एक रोटेटिंग मशीन है। और याद रखिए, किसी भी रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट्स जरूर होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं, स्टेटर और रोटर। ये बात मैं वैसे तो पहले भी बता चुका हूं, बट मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं। डीसी मशीन या कोई भी रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। मैं आज आप लोगों के लिए रोटर लेके भी आया हूं। देखिए, ये क्या है, ये रोटर है, डीसी मशीन का ही रोटर है। आप लोग देख सकते हैं, ये डीसी मशीन का ही रोटर है, इस तरीके से ये डीसी मशीन का रोटर है। ठीक है, मैं अभी आपको डिटेल में जब बात बताऊंगा तो मैं बताता चलूंगा। स्टेटर, स्टेटर में क्या करना है हम लोगों को, स्टेटर
हमारा दो पार्ट से बना होता है डीसी मशीन के, किससे, योक से बना होता है, पोल से, पोल भी होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर ब्रश भी इंक्लूड हम लोग करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? वो एक अलग बात है कि ब्रश टच रोटर से हो रहा होता है, बट होता तो स्टैटिक है, खुद तो नहीं घूमता, ठीक है। तो रोटर कैसा पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, घूमेगा नहीं, स्थिर पार्ट है, स्थिर पार्ट है रोटर, याद रखिए, ठीक है। तो स्टेटर पर क्या क्या है, स्टेटर किस किस चीज से बना होता है, योक से बना होता है, पोल से बना होता है, और जाहिर सी बात है ब्रश से बना तो नहीं होता है, बट ब्रश कनेक्टेड स्टेटर पे ही होता है, रोटर पे ब्रश नहीं कनेक्ट होता है। रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, मतलब घूमने वाला पार्ट है। अब इस घूमने वाले पार्ट की मैं अगर मैं बात करूं तो आर्मेचर कोर, इस आर्मेचर कोर के ऊपर ही होती है आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, शाफ्ट, बियरिंग्स, ये सब था रोटर का पार्ट। अब यहां से एक सवाल तो यही कंप्लीट हो जाता है कि रोटर और स्टेटर में क्या क्या पार्ट होते हैं, अब इनके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहली चीज, यहां पर से कई सवाल तो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है कि नहीं घूमती। हाँ भाई, आर्मेचर वाइंडिंग जब रोटर पर रखी जाएगी तो घूमेगी, जाहिर सी बात है। तो आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है किसकी, डीसी मशीन की, ये बात। कम्यूटेटर घूमता है कि नहीं घूमता, बिल्कुल घूमता है सर, क्योंकि रोटर पर रखा हुआ है तो घूमेगा ही, जाहिर सी बात। तो आप लोग देख रहे हैं ये क्विक रिवीजन मैंने कराया हुआ है, शुरू करते हैं स्टेटर से। हम लोग स्टेटर की हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं स्टेटर से। तो स्टेटर का पहला पार्ट हम लोग लेके चलते हैं योक। ये देखिए स्टेटर का योक है और ये पोल है। इस पोल को क्या किया है, आप थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि ये एक योक था, किसी मटेरियल का बना होगा, जाहिर सी बात है किसका बना होता है ये बाद में करूंगा, मतलब एक बॉडी, उस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, पोल को इस तरीके से पेच से कस दिया, देखिए इस तरीके से पेच से कस दिया। तो मैंने यहां पर ये लाइन मिटा दी आपके लिए, ये मिटा दी, ये क्या है, पेच से कसे हुए हैं। इस पेच को बोलते हैं काउंटर शंक स्क्रू, काउंटर शंक स्क्रू। तो यहां पर एक सवाल तो यही उठ जाता है, यहां क्लियर हो जाता है कि योक पे, आप समझिए ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, ये ब्लू वाला पार्ट योक है, और इस पर जुड़े हुए हैं ये पोल, और ये पोल क्या है, रेड वाला पार्ट है। मतलब योक पर पोल बंधे हुए होते हैं किससे, काउंटर शंक स्क्रू से, ये पेच होते हैं, ये इसको बोलते हैं काउंटर शंक स्क्रू। पेपर में ये सवाल आ चुका है। योक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे योक, योक का क्या काम है, योक का क्या काम है। आप लोग इस डायग्राम को सबसे पहले देखिए, अब देखिए योक के यहां पर दो काम हैं, आपको ये चीज पेपर में पूछी जाती है ना, योक के क्या काम है। जैसे मान लीजिए ये पोल लगे हुए हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है नॉर्थ से साउथ फ्लक्स जाता है। मान लीजिए नॉर्थ से साउथ चार फ्लक्स की लाइंस जा रही हैं, तो देखिए ये जो फ्लक्स की लाइन है, मान लीजिए फाइव लाइंस है, मतलब चार लाइंस कुछ एक फाइव वेबर फ्लक्स बना रहा है, चार लाइंस कुछ एक फाइव वेबर फ्लक्स बना रही हैं, तो दो फ्लक्स लाइंस यहां से होती हुई कंप्लीट होके जाएंगी। देखिए सर्किट को, फ्लक्स लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और मटेरियल के अंदर, मतलब इस योक के अंदर कहां से जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। इस मटेरियल के अंदर कहां से जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ जा रही हैं, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये कहां से जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। बट आप एक चीज यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो चार फ्लक्स लाइंस अगर थी, तो दो फ्लक्स लाइंस यहां से जा रही हैं और दो फ्लक्स लाइंस यहां से जा रही हैं योक के। मतलब योक क्या करता है कि जो फाइव फ्लक्स है उसको आधा आधा बांट के दोबारा से सर्किट में चला देता है, आधा फ्लक्स ऊपर से जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे से जाएगा। तो योक का क्या काम है, फाइव बाई टू फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है, इट प्रोवाइड पाथ टू द फाइव बाई टू फ्लक्स, ठीक है, पाथ टू फाइव बाई टू फ्लक्स। तो पहला काम क्या हो जाता है, ये बात पूछ लेते हैं कि योक का क्या काम होता है, फाइव बाई टू फ्लक्स को
रास्ता प्रदान करना। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहें, जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी एक नॉर्थ मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है और ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, तो नॉर्थ से फ्लक्स निकल के साउथ में जाता है। इन्होंने क्या किया है, बस इस मैग्नेट को तोड़ के यूं करके जोड़ दिया है, यूं करके जोड़ दिया है, बस ऐसे। योग, योग कुछ नहीं है, योग एक ऐसा समझ लो कि एक बंद मैग्नेट है, जो एक पूरी घूमी हुई मैग्नेट है, जिसमें यहां से फ्लक्स जाएगा और पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा। तो योग का पहला काम तो क्या हो गया कि 5/2 फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। अब आप एक चीज देखिए, और क्या काम हो सकता है योग का, पेपर में ये पूछते हैं, और क्या काम हो सकता है योग का। अब आप एक चीज बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना यहीं पे कि योग क्या कर रहा है। पोल जो है ये योग पर ही तो रखे गए हैं, पोल को बोल्ट का किया गया है, मतलब पोल को कहां हवा में तो लटकाते नहीं, आपको सोचिए ये योग है और ये पोल है, तो पोल क्या हवा में तो लटकते नहीं इस तरीके से। अगर ये योग पर कसे नहीं जाते तो हवा में तो पोल लटकते नहीं। तो योग क्या कर रहा है, पोल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट टू द पोल, सपोर्ट टू पोल। देखिए पूरा लेक्चर देखना, एक बहुत बारीक बारीक बातें मैं आप लोगों को कहूंगा। सपोर्ट कर रहा है पोल को, 5/2 रास्ता प्रदान कर रहा है फ्लक्स को, आप लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूछते हैं आपसे योग का मटेरियल। तो योग किस चीज, योग किस मटेरियल का बनता है, यहां पर दो सवाल आ जाते हैं। अगर स्मॉल रेटिंग मोटर है, छोटी रेटिंग की मोटर है, तो योग किससे बनता है, और बिग रेटिंग की मोटर है, मतलब बड़े रेटिंग की मोटर है, तो योग किससे बनता है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आप लोगों के लिए। तो देखिए स्मॉल रेटिंग के लिए कास्ट आयरन से योग बनता है, और अगर बात करें बिग रेटिंग की मोटर के लिए तो स्टील आयरन से बिग रेटिंग के जो है योग बनता है। क्लियर है इतना पॉइंट। तो योग किस किस से बनता है, कास्ट आयरन से और स्टील आयरन से। स्टील का स्पेलिंग सही कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। तो योग बनता है इन चीजों से। अब आपसे पूछा जाता है कि पोल जो है योग पर किससे कसा जाता है, काउंटर शंकर स्क्रू से, मैंने बता दिया आपको। अब अगर बात करें पोल की, वो पूछते हैं कि पेपर में पोल का क्या काम होता है, पोल का क्या काम करता है। जाहिर सी बात है, अब मैं यहां पर आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि, अच्छा एक चीज मैं और बताना भूल गया कि योग का और क्या काम है। अब देखिए योग सबसे ऊपर रखा हुआ है कि नहीं रखा है, तो कोई भी अगर ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, मान लीजिए कोई डंडा मारा मोटर को, या मोटर गिर गई, या मोटर टूट गई, या मोटर पर कुछ वजन रख दिया, तो ये सब कौन झेलने वाला है, योग ही झेलने वाला है। तो जाहिर सी बात है एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी, मतलब मैकेनिकल यांत्रिक जो सुरक्षा है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है इतना पॉइंट। तो योग का और भी क्या काम होता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करना बाहर की दुनिया से, ठीक है। तो चलिए ये योग हो गया। अब अगर बात करें पोल की, तो यहां पर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स यूज होते हैं, मतलब कहने का फील्ड वाइंडिंग लगाकर जो है हम लोग पोल यूज करते हैं मोस्टली। देखिए मैं बात नहीं कर रहा अभी सेपरेटली या सेल्फ एक्साइटेड मोटर की, ठीक है, बट हम लोग जो मेजरली यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मुझे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अदरवाइज ये बहुत हौश पौश हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा। तो पोल की अगर मैं बात करूं, देखिए पोल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स का मतलब है कि यहां पर हम लोग वाइंडिंग करेंगे। अगर मुझे मान लीजिए इस पोल को नॉर्थ बनाना है, अब आपको राइट हैंड रूल आना चाहिए, हाथ का इस्तेमाल मैंने सिखाया है, और क्रैश कोर्स के वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाइए, हाथ का इस्तेमाल मेरे वहां पर एक वीडियो डाला होगा, यूजिंग राइट हैंड और ये सारी चीजें लिखी होंगी उस पर, वहां मैंने आपको हाथ का सही इस्तेमाल सिखाया है, और वैसे तो आपको हाथ का सही इस्तेमाल आता ही है, ठीक है। तो देखो अगर इसे नॉर्थ पोल बनाना है मान लीजिए, तो आप जाहिर सी बात है इसे नॉर्थ पोल कैसे बनाएंगे, यहां पर करंट बहना चाहिए, ठीक है, मतलब करंट कुछ इस तरीके से आना चाहिए, और जब करंट इस तरीके से आएगा तो जाहिर सी बात है ये यूं करके पीछे से ऊपर से आएगा, ये यूं करके इसे आएगा, तो इसका मतलब यहां पर प्लस होना चाहिए, यहां माइनस होना चाहिए। तो बैटरी में कहीं ना कहीं जो, जब हम इस पोल को एक्साइट करेंगे तो बैटरी में इधर प्लस लगाएंगे, इधर माइनस लगाएंगे, तो ये नॉर्थ बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ बन जाएगा, तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा,
तो कैसे पोल इस्तेमाल हम लोग करते हैं, प्रेफर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल प्रेफर करते हैं। और अगर मैं बात करूं आपका साउथ पोल बनाना है मान लीजिए आपको यहां पे, तो जो हम यहां पर वाइंडिंग करेंगे, ये हमने वाइंडिंग करी। अब देखिए साउथ पोल के लिए फ्लक्स अंदर आना चाहिए, तो देखिए ऐसे करूंगा तो साउथ, ऐसे करूंगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा फ्लक्स। इस तरीके से करूंगा तभी तो फ्लक्स अंदर जाएगा, देखिए अंगूठे को। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए जो कि यहां से यूं करके जाएगा, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये बैटरी का प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे तभी तो फ्लक्स इसके अंदर, ये साउथ बनेगा और फ्लक्स इसके अंदर जाएगा। तो कैसे पोल इस्तेमाल होने चाहिए, देखिए ये है पोल्स, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स इस्तेमाल होने चाहिए। बस फिर क्या है, यहां पर योक लगा दीजिए, ये योक है, ये योक बन गया, ये पूरी मशीन बन गई, पूरी मशीन तैयार हो गई आपके सामने। इस तरीके से हम लोग इसे करते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आ जाती है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि ये जो पोल हम लोगों ने एक्साइट किए हैं तो क्या ये अलग से बैटरी लगा के करेंगे, ये बात दिमाग में आती है। देखिए हम लोग यहाँ पर पोल ही यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट से साइज में बड़ा होने लग जाता है मोटर का, मशीन का। तो यहाँ पर क्या हम ये जो बैटरी है या ये लगाया करेंगे, सवाल ये उठता है। अब देखिए अगर यहां पर हम बैटरी लगाएंगे, समझना बात को, अगर हम यहां पर एक्साइटेशन के लिए, मैं लिख देता हूं एक्साइटेशन बैटरी, उत्तेजना के लिए, अगर मैं पोल के लिए एक्साइटेशन बैटरी लगाऊंगा तो दो बातें आएंगी यहां पर, एक तो अलग से लगाऊंगा, एक अंदर से ही ले लूंगा जो वो वोल्टेज पैदा करेगा। तो अगर मैं सेपरेटली यूज करता हूं बैटरी को, मतलब अलग से यूज करता हूं, मैंने क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, अगर मैं बैटरी को अलग से यूज करता हूं, यहां पर देख लो मैंने बैटरी को अलग से लगाया है, जब ऐसी स्थिति पैदा होगी जब मैं बैटरी को अलग से यूज करूंगा तो ऐसी मशीन कहलाएगी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। अब आप खुद सोचो, आप मशीन खुद खरीदने जा रहे हो, उससे पहले बैटरी भी खरीदोगे, तो ये एक बड़ा अटपटी सी बात है। मतलब अटपटी सी बात इसलिए है क्योंकि आप कोई मशीन खुद खरीदने जा रहे हो और उसको चालू करने के लिए बैटरी भी खरीदो, तो आप सोचोगे यार कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूं और उसके बाद भी मुझे सुविधा नहीं मिल रही, मुझे बैटरी अलग से खरीदनी पड़ रही है। इसका मतलब आप क्या चाहोगे कि ये यहां से ना एक्साइट करके अंदर जो रोटर है जाहिर सी बात है, अगर मैं बात कर लेता हूं रोटर में जो ईएमएफ पैदा होगा, चाहे देखो मोटर हो चाहे जनरेटर हो, रोटर में ईएमएफ पैदा होता ही होता है। मैंने क्या कहा, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, रोटर के अंदर ईएमएफ दोनों में पैदा होता है। जनरेटर में ईएमएफ कहलाता है जनरेटेड ईएमएफ, और मोटर में ईएमएफ कहलाता है बैक ईएमएफ। तो अगर इस फील्ड वाइंडिंग को यहां से ले लें, मतलब कनेक्शन यहां से ले लें, रोटर से ले लें, हम लोग अंदर से ही ले लें, विद इन द मशीन ही ले लें, मतलब बैटरी अलग से नहीं लगानी, यहां तो बैटरी अलग से लगानी है, यहां बैटरी का कनेक्शन अंदर से ही लेना है, ऐसी मोटरों को कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड मोटर। क्या कहते हैं? सेल्फ एक्साइटेड मोटर, या मशीन कह लो सेल्फ एक्साइटेड मशीन, जहां पर पोल के लिए उत्तेजना एक्साइटेशन अंदर से ही लिया जाता है रोटर के द्वारा कनेक्शन करके, उसको क्या कहेंगे? सेल्फ एक्साइटेड मशीन कहेंगे, खुद से उत्तेजित होने वाली, खुद से मतलब अंदर से ही। आप लोगों को मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि आप लोग पढ़ाई के लिए मोटिवेशन किसी और बाहर के लिए मत ढूंढिए, मतलब आपको कोई और बाहर कुछ कह के जाए, मैंने आपसे कहा दो दिन पढ़ लिए, ऐसा मत करिए, खुद से अंदर से मोटिवेट होइए, खुद से समझिए कि आपको क्यों ये ड्रीम अचीव करना था, आपका ये ड्रीम था, आपको हासिल करना था, ये क्लियर है इतना पॉइंट। तो आप लोग इस चीज को सेल्फ, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, वही चीज है, अंदर से ही अगर कनेक्शन करके हम इसे उत्तेजित कर दें पोल को, तो ऐसी मोटर क्या कहलाएगी? सेल्फ एक्साइटेड मशीन कहलाएगी। बात करते हैं आगे, ये अब पिक्चर में रोटर आ गया है, रोटर आ चुका है यहां पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर लिख देता हूं, क्यों वो बताऊंगा। यहां पर लगाए जाते हैं ब्रश स्प्रिंग द्वारा, किसके द्वारा? स्प्रिंग द्वारा, यहां लगाए जाते हैं ब्रश स्प्रिंग द्वारा। ये ब्रश इस रोटर को छुलते हैं, एक्चुअली रोटर के कम्यूटेटर वाले हिस्से को छुलते हैं। ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे, जब ये रोटर घूमेगा तो ये कम्यूटेटर आप देख रहे हैं यहां पे, ये कम्यूटेटर क्या होगा, यूं करके छुलेगा यहां पर, ये मान लीजिए मेरे ब्रशेज है,
ये ब्रश यहाँ पर ये घूमता चला जाएगा, ये घूमता चला जाएगा और ये ब्रश को छिलता चला जाएगा। अब क्योंकि रोटर में से करंट निकल के यहां से जाएगा तो ये इस तरीके से बाहर मशीन की तरफ करंट चला जाएगा, बाहर मशीन की तरफ करंट चला जाएगा। मैं अब यहां पर आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि ये ब्रश कैसा होता है, खुद स्टेशनरी होता है और घिसता जाता है, रोटर से टच होके चलता चला जाता है। मतलब ब्रश का क्या काम है, रोटर से करंट लेके बाहर भेज देना, ठीक है। ब्रश का क्या काम है, रोटर से करंट लेके बाहर भेज देना। अब कुछ जुड़े हुए सवाल इनसे ही, ये तो बात हो गई कि कहां पर कौन कैसे कैसे कहां कैसे लगा रहता है, ठीक है। अब बात हो गई कुछ इनसे ही जुड़े हुए सवालों की और वो बातें क्या है ध्यान से समझिएगा, सुनिए। अब देखिए पोल्स की मैं बात करूं तो पोल्स मैंने आपको बताया हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स पे प्रेफर करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, मतलब अगर हम जब पोल को उत्तेजना या एक्साइटेशन बाहर से देते हैं, अलग से बैटरी लगा के देते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, अलग से बैटरी लगा के उत्तेजना देना या अलग से बैटरी लगा के एक्साइट करना। सेल्फ एक्साइटेशन में अंदर खुद ही रोटर से कनेक्ट करके, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आर्मेचर से कनेक्ट करते हैं, अरे मेरे बंधु रोटर, मैंने कहा ना रोटर के ऊपर रोटर के अंदर ही आर्मेचर वगैरह सब चीज़ें होती हैं, आप अंदर कह लो या ऊपर कह लो, वैसे अंदर का मतलब है ये देखिए ये पूरा इतना भाग जो है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इतना भाग आर्मेचर कोर ही है, याद रखिए इतना भाग कम्यूटेटर है, ये भाग शाफ्ट है, ये जो भाग है शाफ्ट है, तो ये सब ये पूरा है तो रोटर आखिरकार, ये भी शाफ्ट ही है ना, ये शाफ्ट अंदर से होके जा रही है। इतना भाग आर्मेचर क्या है, कोर है, अंदर देखिए यहाँ वाइंडिंग भी हो रही है, तो आर्मेचर कोर है क्या, इस रोटर के ऊपर ही तो है आर्मेचर कोर। तो आप या तो यूं कह लो कि सेल्फ एक्साइटेड में रोटर या पोल को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, मतलब इस रोटर पर ही तो आर्मेचर कोर है और आर्मेचर वाइंडिंग भी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप या तो यूं कह लो कि पोल को हम आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं या रोटर से कनेक्ट करते हैं, बात एक ही है। चलिए तो अब मैं आगे आपको यहां पर क्या बताने वाला था कि हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं सेल्फ एक्साइटेड में, अब यहीं पे अंतर आ जाता है, बात को समझना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतर क्या आ जाता है समझिएगा, जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, किसे, पोल को रोटर से कनेक्ट करते हैं, सेल्फ एक्साइटेड मोटर मतलब पोल इज कनेक्टेड विद रोटर, या कह लो ब्रैकेट में लिख देता हूं आर्मेचर वाइंडिंग। जाहिर सी बात है रोटर में कनेक्शन का मतलब आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्शन होगा, ठीक है। पोल को हमने आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट किया, अब यहीं पर दो बातें तीन बातें बनती हैं यहां पे, क्या भाई वो कनेक्शन सीरीज में है, क्या भाई वो कनेक्शन पैरेलल में है, क्या भाई वो कनेक्शन दोनों में है। उसी के अंतर पे तीन तरीके की मशीन डेवलप हो जाती है। अगर मैंने पोल को रोटर से सीरीज में जोड़ा तो सीरीज मशीन बन जाएगी, मतलब जनरेटर सीरीज और सीरीज इज मोटर, ठीक है। अगर मैंने पैरेलल में जोड़ा तो शंट बन जाएगी, मतलब अगर मैंने इस यहां पर उत्तेजना देने के लिए जो मैंने ये कनेक्शन किए आर्मेचर से सीरीज में जोड़े तो सीरीज मशीन, अब वो सीरीज जनरेटर भी हो सकता है मोटर भी हो सकता है। अगर आर्मेचर को उत्तेजित करने पोल को उत्तेजित करने के लिए मैंने जो कनेक्शन यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग से किए अगर शंट में किए तो शंट मशीन, शंट जनरेटर शंट मोटर दोनों हो सकता है। और अगर ये दोनों ही कनेक्शन हमने किए हुए हैं तो ऐसी मशीन कहलाती है कंपाउंड मशीन, ऐसी मशीन कहलाती है कंपाउंड मशीन, मतलब वो कंपाउंड जनरेटर भी हो सकता है कंपाउंड मोटर भी हो सकता है। अब कंपाउंड मतलब, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि पोल जो आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ रहे हैं वो शंट में भी जुड़ सकते हैं सीरीज में भी जुड़ सकते हैं, दोनों कनेक्शन साथ में होते हैं। कैसे होते हैं इस बात का जिक्र जाहिर सी बात है जब मैं डिटेल में टाइप्स ऑफ जनरेटर और टाइप्स ऑफ मोटर करूंगा अगले पार्ट में, उसमें ये बात मैं आप लोगों के लिए रखूंगा। कंपाउंड मोटर या मशीन की मैं अगर मैं बात करूं, कंपाउंड मशीन दो तरीके की हो जाती है, डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव। अब ये थोड़ा इंटरनल कंसेप्ट है, ये सब मैं तभी बताता चलूंगा जब आपको नेक्स्ट पार्ट में करूंगा, ठीक है। तो मैं अभी यहां पर आपको इतना ही बताता हूं। अब आप इस चीज को समझिए, पोल के बारे में मैंने बता दिया, इसका मतलब सारा खेल जो टाइप्स ऑफ मोटर बनती है, मतलब यार सीरीज मोटर है शंट मोटर है कंपाउंड है, ये सब क्या है, पोल से कैसे जोड़ रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग को, उस पर निर्भर करता है। अब अगर मैं बात करता हूं
इसकी देखिए पोल और रोटर, ये तो रोटर है और ये पोल है, इसके बीच में जो ये गैप है इसे बोलते हैं एयर गैप। सवाल पेपर में क्या आता है ध्यान से समझिएगा, पेपर में सवाल पूछता है कि एयर गैप कितना होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा वो ज्यादा से ज्यादा रोटर को जुड़ना चाहिए। फैराडे भाई का लॉ क्या कहता है, फैराडे भाई का लॉ ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जुड़ेगा तभी यहां पे ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा रोटर पे, और रोटर पे विद्युत वाहक बल पैदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है, ईएमएफ को पैदा करना। इस बात का बड़ा ही ध्यान से सुनिए, मैं ये बात वैसे आप लोगों को मैग्नेट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग जाके देखिएगा, अपने माथे पे घड़वा लेना इस बात को, चाहे इस बात का तुम क्या बोलूँ टैटू बनवा लेना इस बात का, सच बता रहा हूँ। आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें ईएमएफ पैदा होता है, फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें जिसकी वजह से क्या पैदा होती है, फ्लक्स पैदा होता है, फ्लक्स पैदा होता है, याद रखिए फ्लक्स पैदा होता है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये क्या थी, ये जो वाइंडिंग हमने यहां पे करी है इसी को तो फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, इसी को ही तो फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल बने जा रहे हैं। तो हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं, उसी कनेक्शन को। अब देखो मैं धीरे धीरे सिंपल भाषा से कैसे कैसे टेक्निकल भाषा में आ रहा हूं, इसीलिए याद रखिए ये लेक्चर पूरे सब देखना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं ये लेक्चर केवल PG2 के लिए नहीं है, SSC JEE वाले बच्चों के लिए भी है, वो भी इससे लेक्चर से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि DC मशीन जो PG2 वाले हों या SSC JEE वाले हों, हम लोग AE लेवल की ही करते हैं, बहुत डिटेल्ड में, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, IAS बोल रहा हूं, ES उसके भी सवाल पेपर में देखे गए हैं। अब देखिए आर्मेचर वाइंडिंग EMF पैदा करता है, फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स पैदा करता है, तो फील्ड वाइंडिंग जो ये फ्लक्स पैदा कर रहा है ये सब क्या है, फील्ड वाइंडिंग तो है ये जो पोल पे फ्लक्स पैदा कर रहा है, तो फील्ड वाइंडिंग से जितना फ्लक्स निकला हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि रोटर को जुड़े, आर्मेचर वाइंडिंग को जुड़े या रोटर को जुड़े, बात एक ही है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज बच्चा क्यों होता है, क्योंकि उसे बेसिक क्लियर नहीं होता है। मैंने इसी में पहले बेसिक क्लियर कराया, रोटर से जुड़ा हुआ कौन है, रोटर से जुड़ा हुआ कौन है भाई, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर से जुड़ी है, क्लियर है। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्लोज जितनी हो, मतलब एयर गैप कम से कम होना चाहिए। अब सवाल उठता है एयर गैप कितना होना चाहिए, एयर गैप होना चाहिए 0.5 mm से 2 mm तक का एयर गैप होना चाहिए। टैटू बनवा लेना, माथे पे गढ़वा लेना इस बात को। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना पॉइंट तो क्लियर होगा। यहां से अब हम लोग आगे चलते हैं, अगर फुल डिटेल लेक्चर होता है तो हम तो इसके एक एक कंसेप्ट करते हैं, वाइंडिंग की डिजाइन करते हैं, कम्यूटेटर पिच पोल पिच ये सारी बातें करते हैं, और बट बशर्ते क्या होना चाहिए, फुल डिटेल लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो समय सीमा रहती है। फिर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने का इस पूरे में चारों पार्ट में ट्राई करने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताऊँ, ट्राई नहीं करने वाला हूं, मैं आपको बताने ही वाला हूं। याद रखिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, और एक एक सवाल आपको नोट करते चलनी है, बातें नोट करती चलनी है। चलिए आप ये लिख लिया, तो ब्रश की बात अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्रश की बात करेंगे तो मैं ब्रश के बारे में बताऊंगा, जब मैं थोड़ा सा रोटर के बारे में बताऊंगा तब मैं ब्रश के बारे में बताऊंगा कि इसका प्रेशर वगैरह कितना रखना पड़ता है, जो दबाव है मतलब स्प्रिंग का दबाव है वो कितना रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग मैंने स्टेटर मिटा दिया है, स्टेटर के सारे पार्ट्स की मैंने जो बात थी योक और पोल
वो मैंने दोनों आपको समझा दिए किस तरीके से बनते हैं पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग बात करेंगे कि पोल्स किस मटेरियल के बनते हैं, तो पोल एक ऐसे मटेरियल के बनेंगे जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा रेजिडुअल फ्लक्स ना लेके रखे, ठीक है, जिनका हिस्टेरेसिस लूप जो है वो कम से कम बने, जैसे सिलिकॉन स्टील के हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बनने चाहिए पोल्स, ऐसे मटेरियल के बनने चाहिए जिसका लूप सबसे कम हो, हिस्टेरेसिस लूप सबसे कम हो। अब देखिए, शुरू करते हैं हम लोग रोटर को। ब्रश के बारे में मैंने आप लोगों को बोला थोड़ा सा, ब्रश के जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड वो मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले रोटर के समझाने के बाद। रोटर की अगर हम लोग बात करें, इसी रोटर के ऊपर होता है आर्मेचर कोर, और इसी रोटर के ऊपर फिर आर्मेचर के कोर के ऊपर होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर कोर के ऊपर होती है आर्मेचर वाइंडिंग, फिर कम्यूटेटर लगा होता है। देखिए रोटर गिर चुका है, ठीक है, तो ये आवाज़ आपने जो सुनी है वो रोटर गिरने की सुनी है, ठीक है। तो कम्यूटेटर है और शाफ्ट है और बियरिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए रोटर लेके आया हूँ और समझेंगे एक बहुत बढ़िया तरीका समझने का। तो रोटर देखिए आप किस तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। ये आप लोगों का रोटर होता है डीसी मशीन का एक्चुअलिटी में, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये रोटर है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझेंगे अच्छे से। ये जो रोटर है हाँ, ये इतना आर्मेचर कोर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको बना लें, तो अगर मैं इसको बना लूँगा, कुछ इस तरीके से है ये रोटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कम्यूटेटर है, ध्यान से समझिए। ये हो गया, इतना पोर्शन हो गया आर्मेचर कोर हो गया, ठीक है। इस आर्मेचर कोर पर हमने कर दी आर्मेचर वाइंडिंग, ये हमने यहाँ पर कर दी वाइंडिंग। ये हो गया कम्यूटेटर, ये हो गई शाफ्ट, ठीक है। और अंदर जाहिर सी बात है होते हैं इसके बियरिंग्स मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, बट इधर देखिए, अब ये इतना पोर्शन है, ये आर्मेचर कोर है जिसके अंदर हो रही है ये आर्मेचर वाइंडिंग। स्लॉट्स, खांचे, आप लोग खांचे देख सकते हैं किस तरीके से बने हुए हैं, ये खांचे ही हैं, ये वाइट वाइट ये जो लाइन है ये खांचे हैं जिसके अंदर हो रही है वाइंडिंग। ये जो ऑरेंज या ब्राउन जैसा जो आप देख रहे हैं, ये इंसुलेशन के लिए लगाया हुआ पेस्ट है, जस्ट आपका टेम्परेचर से ये शॉर्ट वॉर्ड ना हो जाए उससे लगाया हुआ पेस्ट है। ये कम्यूटेटर है, देखिए किस तरीके से कम्यूटेटर है। अगर आप कम्यूटेटर का फ्रंट देखेंगे, तो देखिए कम्यूटेटर को अगर आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए स्प्लिटेड है, मतलब टुकड़ों में है। कम्यूटेटर को अगर आप यहाँ से सामने से देखेंगे तो ऐसे टुकड़ों में नजर आएगा आपको, इस तरीके से ये टुकड़ों में नजर आएगा। देखो ये बातें बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप सामने से देखिए टुकड़ों में नजर आएगा, ये उगर के ये सामने से है, ठीक है, इस तरीके से। ये जाहिर सी बात है शाफ्ट है ये इसकी। अब देखिए आप सामने से देख रहे हैं तो इस तरीके से देखेंगे ना, स्प्लिट रिंग्स है, ये स्प्लिटेड होता है, मतलब कम्यूटेटर कुछ इस तरीके से बना होता है। ये देखिए आप कि ऐसे भागों में देखे, अलग अलग भागों में, खंडों में होता है, स्प्लिट रिंग बोलते हैं कम्यूटेटर को, इसीलिए हम लोग कई बार यहां पर वाइंडिंग हो रही है, ऐसे बोलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर कोर है, ये शाफ्ट हो गई, ये कम्यूटेटर हो गई, और इसी कम्यूटेटर के ऊपर यहां पर टंगाया जाता है ब्रश, जो कि स्प्रिंग के तहत हम लोग टंगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे ये इस तरीके से ब्रश की, ये ब्रश के स्प्रिंग लग जाती है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, ये जब पोर्शन घूमता है तो ये ब्रश रगड़ते हुए कम्यूटेटर पर घिसते चले जाते हैं और ब्रश खत्म हो जाते हैं, फिर हम ब्रश को बदल देते हैं, जाहिर सी बात है। ये जो होती है कम्यूटेटर की जो रिंग है, मैं पेन थोड़ा सा बदल देता हूँ यहाँ, ये जो कम्यूटेटर की रिंग होती है ये स्प्लिट रिंग हम लोग इसे बोलते हैं, मतलब भागों में, खंडों में होती है। और ये बनती किसकी है, ये जब एक काम करूंगा, जब मैं इकट्ठा जब एक एक चीज लेता हुआ चलूंगा ना, तब बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग में थोड़ी देर में लूंगा, पहले मैं कम्यूटेटर को ले लेता हूँ, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर कोर थोड़ा सा लंबा टॉपिक बनता है, पहले कम्यूटेटर को ले लेता हूँ या आर्मेचर वाइंडिंग ले लूँ। चलो सीक्वेंस से ले लेते हैं,
आर्मेचर कोर आर्मेचर वाइंडिंग ले लेते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आर्मेचर कोर आर्मेचर वाइंडिंग ले लेते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसी रोटर को थोड़ा सा बड़े रूप में किसकी बोतल है बताइए, ये रोटर है, ये बोतल नहीं है, ये रोटर है। देखिए रोटर का बड़ा ही तो रूप है, एक थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है? आप ऐसे समझिए, इसमें बड़े ध्यान से समझिए, ये आगे शाफ्ट निकल रही है, ठीक है? ये आगे शाफ्ट निकल रही है, ये आपका आर्मेचर कोर है, ये आपका कम्यूटेटर है। अब देखिए मैं इस पर बना देता हूँ, मैं इस पर बना देता हूँ स्प्लिट रिंग्स बना देता हूँ इस पर, ठीक है? यहाँ स्प्लिट रिंग्स बना देता हूँ, ये कम्यूटेटर हो गया, ये कम्यूटेटर हो गया आप लोगों का, ये कम्यूटेटर हो गया, ठीक है? ये आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ से ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, और जाहिर सी बात है आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो करी तो पूरी से पीछे से ही होके आएगी। हम लोग इस पर कैसे वाइंडिंग करेंगे? जाहिर सी बात है यहाँ वाइंडिंग करेंगे तो यूँ करके पीछे से पूरे लपेट के लेके आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप सामने से देखोगे इसे तो कुछ इस तरीके से वाइंडिंग होगी। आप ऐसे देखिए, सामने से देखिए, ऐसे देखिए सामने से, तो देखो ध्यान से देखना, ये यूँ करके वाइंडिंग होगी, ठीक है? मैं सारे मिटा देता हूँ नहीं तो सब कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, आप केवल एक तार को पकड़ के चलिए, ये यहाँ से हमने किया, देखिए ये यहाँ से हमने वाइंडिंग करी, ये वाइंडिंग करते हुए यहाँ से निकाल के लाए, सेम ऐसी तो वाइंडिंग होती है, यहाँ से वाइंडिंग करी और ये खींच के यूँ करके निकाल के ले आए, ठीक है? ऐसे करके देखिए आप, ठीक है? तो आप सामने से देख रहे हैं तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मैं ये रोटर के तौर पे यही इस्तेमाल करने वाला हूँ। चलिए तो आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग शुरू करते हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें देखेंगे, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ना। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें, इसे बोलते हैं एक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जब ऐसे दो कंडक्टरों को आप जोड़ देते हैं एक साथ, इस तरीके से दो कंडक्टरों को आप जब जोड़ देते हैं एक साथ, तो ये क्या बन जाता है? एक कॉइल बन जाती है, ठीक है? अब एक काम करिए, ये कॉइल का मतलब क्या हुआ? दो कंडक्टरों से मिलके ये कॉइल बन गई। मतलब एक कॉइल कितने कंडक्टर से मिलके बनी है? दो कंडक्टरों से मिलके बनी है, दो चालकों से मिलके बनी है। बट ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं, देखो ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? टर्न या ओवरहैंग, टर्न या ओवरहैंग, हैंगओवर नहीं, ओवरहैंग, ठीक है? अब आप एक चीज समझिए, ये जो एक कॉइल है, ये एक पूरी कॉइल है, इस कॉइल को ही तो हम, ये देखिए कॉइल जो है, इस कॉइल को ही तो हम नॉर्थ और साउथ पोल के अंडर में रखते हैं, और जब इस कॉइल को घुमाते हैं तो इस कॉइल में यहां पर क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ पैदा हो जाता है। कैसे? फैराडे के लॉ से। ये देखिए यहां से फ्लक्स जा रहा है, जब ये फ्लक्स इस वाइंडिंग को काटेगा, इस कॉइल को काटेगा, तो ईएमएफ पैदा होगा। अब देखिए ईएमएफ इधर इधर पैदा होगा, ईएमएफ इधर नहीं पैदा होगा, मतलब टर्न या ओवरहैंग में ईएमएफ पैदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये कंडक्टर को जोड़ रहा है। देखिए ध्यान से समझना, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ये टर्न या ओवरहैंग है। पेपर में सवाल आ चुका है, लखनऊ मेट्रो के पेपर में सवाल था कि टर्न या ओवरहैंग कैसे पार्ट है? इनएक्टिव, अक्रिय, इनमें ईएमएफ पैदा नहीं होता, अक्रिय है, सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव पार्ट है। कैसे पार्ट है? इनएक्टिव पार्ट है, ये पेपर में पूछा था, ये इनएक्टिव पार्ट है। किसके? वाइंडिंग के। जाहिर सी बात है हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ रहे हैं ना, आर्मेचर वाइंडिंग के इनएक्टिव पार्ट है। अब बात करेंगे कंडक्टर, कंडक्टर कैसे पार्ट है? एक्टिव पार्ट है, अक्रिय पार्ट है, सक्रिय पार्ट है, सॉरी अक्रिय नहीं, सॉरी हिंदी में गड़बड़ आ गया, सक्रिय पार्ट है, मतलब एक्टिव पार्ट है। इनमें ईएमएफ पैदा होता है। अक्रिय सक्रिय हम किस बेसिस पे, किस आधार पे बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें ईएमएफ पैदा होता है, इस आधार पे बोल रहे हैं, ठीक है? ये अक्रिय पार्ट है। अब आप खुद सोचिए कैसे मैं ये बात कह पा रहा हूं। ये आपका रोटर है, जब ये यहां पर रखा है, आपका यहां पर पोल्स रखे हैं। अब जब ये रोटर घूमेगा, देखिए ये रोटर घूम रहा है, रोटर घूम रहा है, तो यहां पर फ्लक्स कहां जोड़ रहे हैं? देखिए फ्लक्स तो यहां जोड़ रहा है ना, इतने इतने पार्ट को जोड़ रहा है, बीच में इतने इतने पार्ट को जोड़ रहा है फ्लक्स।
फ्लक्स इतने इतने पार्ट को जोड़ रहा है, फ्लक्स इतने इतने पार्ट को जोड़ रहा है, बट फ्लक्स यहाँ नहीं जोड़ रहा है, फ्लक्स इतने इतने पार्ट को जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है। इसका मतलब ये जो पीछे से होके जा रहा है जो तार, सेम मटेरियल का है, ऐसा नहीं है मटेरियल अलग होगा, ये तार जो पीछे से होके आ रहा है इसी को तो बोलेंगे टर्न या ओवरहैंग। ये टर्न या ओवरहैंग हो जाएगा, चलिए तो ये हो गया टर्न या ओवरहैंग। इसका मतलब इस पार्ट पर ही ईएमएफ यहां पर पैदा होगा, बिल्कुल पैदा हो। मान लेते हैं, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको है, चलिए मान लेते हैं यहां 2 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हुआ। समझना, जब हम इसे फुल डिटेल लेक्चर में पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है। मान लिया यहां पर 2 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हुआ, ठीक है। इसमें ऐसी ऐसी कई कॉइलों को अगर मैं यूं करके जोड़ दूं, मान लीजिए मैंने ये 2 कॉइलें जोड़ दी इस तरीके से सीरीज में, तो जाहिर सी बात है यहां पर कितना ईएमएफ पैदा हो जाएगा, 4 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ऐसी कॉइल को कहते हैं मल्टी कॉइल। कैसी कहते हैं? मल्टी कॉइल। 2 या 2 से अधिक कॉइलों को जोड़ दें तो क्या बोलते हैं? मल्टी कॉइल्स। यहां क्या हुआ है अगर आप देखें तो कुछ नहीं हुआ, ये एक कॉइल थी और दूसरी एक कॉइल है, हमने क्या कर दिया कहीं ना कहीं उसे सीरीज में जोड़ दिया, बस ऐसे समझ लीजिए, बस यही है मल्टी कॉइल। तो जब हम एक जोड़ते चले जाते हैं तो ऐसे ही तो ईएमएफ बढ़ता चला जाता है जनरेटर के अंदर या मोटर के अंदर, सीरीज में जोड़ते चले जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिला के मुझे यहां पे आपको बस ये बताना था, टर्न या ओवरहैंग समझाना था। एक कॉइल 2 कंडक्टर से मिलकर बनती है, ये बात समझिए आप, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग करी किसके ऊपर जाती है? आर्मेचर कोर के ऊपर की जाती है। जाहिर सी बात है ये चालकों को कहां रखा जाएगा? खांचों में रखा जाएगा, स्लॉट्स में रखा जाएगा। चालकों को खांचों में रखा जाएगा, स्लॉट में रखा जाएगा। मतलब कहने का ये अगर आपका रोटर है तो यहां पर क्या बने होंगे? खांचे बने होंगे। यहां पर यहाँ क्या बने होंगे? खांचे बने होंगे। ये खांचों में रखा जाएगा चालक, खांचों में रखा जाएगा, यहाँ खांचे बने होंगे। तो जब हम यहाँ पर लेके आएंगे तो खांचों में चालकों को रख के इस तरीके से वाइंडिंग, ठीक। तो ये अब आप ध्यान समझिए, टर्न ओवरहैंग कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टर्न है, मतलब वेस्टेज ऑफ मटीरियल है। आर्मेचर कोर के ऊपर ये की जाती है और बनती किसकी है? ये कॉपर की यूज होती है, मोस्टली हम लोग कॉपर की यूज करते हैं वाइंडिंग। तो इस तरीके से मल्टी कॉइल्स बनती हैं। अब ये जो कॉइल हैं, इन्हीं के 2 पार्ट होते हैं, लैप या वेव। जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है 2 तरीके की होती हैं, लैप वेव। वैसे तो आर्मेचर वाइंडिंग के अपने बहुत टाइप होते हैं, ओपन क्लोज, फिर क्लोज में लैप और वेव आती है। ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूं, बट बहुत लंबा टाइम लेता है ये टॉपिक, इसीलिए हम लोग एक शॉर्ट में बात यहां पर निपटा के चल रहे हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग की बात अगर करें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा आर्मेचर वाइंडिंग की अगर हम लोग बात करें, तो कॉपर याद रखिए बनती है कॉपर से, इतना आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए बड़ा ही ध्यान से समझना, यहीं पे जुड़ा हुआ एक सवाल है। मान लीजिए आपको 4 वोल्टेज का जनरेटर बनाना है, तो आपने ये 4 वोल्टेज का जनरेटर बना दिया, ठीक है। बट अब अगर आपको 3 वोल्टेज का जनरेटर बनाना है, समझना बात को, 3 वोल्ट का जनरेटर बनाना है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए एक चालक 1 वोल्ट बना रहा है, ये 1 वोल्ट बना रहा है, तो यहां पर लास्ट में 2 वोल्ट पे ईएमएफ पैदा हो गया, 2 वोल्ट ईएमएफ पैदा हो गया। अब आपने क्या किया, 4 वोल्ट बनाना है तो 4 चालक लगा दिए, देखिए 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट। अब मान लीजिए आपको 3 वोल्ट का ईएमएफ पैदा करना है, कितने का? 3 वोल्ट का ईएमएफ पैदा करना है मान लीजिए आपको, तो इसका मतलब 3 वोल्ट की ईएमएफ के लिए इस कंडक्टर की तो जरूरत है नहीं है, तो क्या करें, इसको वाइंडिंग को खाली छोड़ दें? नहीं। अगर मान लीजिए खाली छोड़ दिया, मान लीजिए समझिए ये कोई मशीन है, ये रोटर है, ये रोटर है, रोटर पर यहां से हमने कंडक्टर लिया, यहां पर डाला, मतलब ये खांचों में कंडक्टर लिया, खांचों में कंडक्टर लिया, डाल दिया। अब यहां पर 3 कंडक्टर हमने डाले, 4th कंडक्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं रोटर इंबैलेंस नहीं हो जाएगा? आप खुद सोचिए, ये पूरा यहां पर 3 चालक रख दिए हमने और एक नहीं रखा। अगर 4 होते तो 2 2 2 2 कर, मतलब 1 4 होते तो ये चारों अगर इस पूरे पे लगते तो वजन बैलेंस हो जाता कि नहीं हो जाता? आप खुद सोचिए। आप वो आपने वो देखा सीसो, एक बंदा इधर बैठ गया, एक बंदा वो झूले नहीं देखे उस तरीके से,
यूं करके घूमते रहते, यूं करके झूले। एक बंदा यहाँ बैठा तो ये ऊपर पहुंच गया, दूसरा यहाँ बैठा तो ये बैलेंस हो गया, फिर दो बंदे यहाँ बैठे तो ये ऊपर पहुंच गया, एक बंदा और यहाँ पे बैठ गया, दो बंदे हो गए तो ये बैलेंस हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर बैलेंस खराब हो जाएगा अगर हम इसे तीन कंडक्टर ही रखें और एक नहीं रखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कंडक्टर नहीं लगाते, डमी कॉइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डमी कॉइल। तो डमी कॉइल क्या करता है, कोई ईएमएफ तो पैदा नहीं करेगा, याद रखिए ये ईएमएफ पैदा नहीं करता, बट ये क्या करता है, ये मैकेनिकल बैलेंस बनाता है, यांत्रिक बैलेंस बनाता है रोटर का, कहीं ये इम्बैलेंस ना हो जाए। तो यांत्रिक बैलेंस बनाता है, मैकेनिकल बैलेंस बनाता है, याद रखिए। क्या डमी कॉइल मैकेनिकल बैलेंस बनाता है, आर्मेचर वाइंडिंग में यूज करते हैं डमी कॉइल को, मैकेनिकल बैलेंस बनाता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए यहीं से जुड़ी हुई कई बातें हो जाती हैं। अगर हम लोग बात करें, पोल पिच एक कंसेप्ट आता है, आर्मेचर वाइंडिंग में ही पोल पिच एक कंसेप्ट आता है, जिसमें इसका फॉर्मूला बनता है स्लॉट्स पर पोल, कितने स्लॉट्स प्रति पोल है, या फिर कितने चालक प्रति पोल है। ठीक है, तो याद रखिए ये पोल पिच का जो फॉर्मूला है ये बहुत ध्यान आपको रखना है। अब यहां पर जुड़ी हुई एक शॉर्ट पिच और फुल पिच कॉइल की मैं बात यहां पर बता देता हूं। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए इस वाइंडिंग को मैंने इस तरीके से यहां पर किया हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें ईएमएफ पैदा होगा, ये बात तो क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग लास्ट एमसीक्यू वाले वीडियो में, तो आप लोग इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। पोल पिच का क्या फॉर्मूला होता है, स्लॉट्स प्रति पोल या कंडक्टर प्रति पोल। मतलब बहुत बार पोल पिच का फॉर्मूला इस तरीके से जेड बाई पी हो जाता है। ठीक है, पोल पिच का फॉर्मूला जेड बाई पी हो जाता है, चालक प्रति पोल। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। डमी कॉइल क्या करती है, मैकेनिकल बैलेंस करती है। चलो चालू किया, चलिए तो हाँ मैं क्या अभी क्या बता रहा था आपको, तो ये जो कॉइल है, मान लीजिए आपने ये जो कॉइल, आपने ये जो वाइंडिंग करी है, ठीक है, ये वाइंडिंग, समझते हैं इस बात को, देखो बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वाइंडिंग है, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, समझना। ये आपका मतलब रोटर हो गया, यहाँ आपने वाइंडिंग करी, मान लीजिए ये एक नंबर खांचा है, मतलब इसे बोलेंगे वन नंबर खांचा, एक नंबर खांचा, यहाँ से वाइंडिंग ली, यहाँ से करी, ये सात नंबर खांचा है, मतलब ये एक नंबर खांचा है, ये सात नंबर खांचा है। तो आपने एक नंबर खांचे से लेके सात नंबर खांचे से निकाल के लेके आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, अब ध्यान से समझिए, ये आपका रोटर है, ये आपका रोटर है, ये पोल लगे होंगे यहाँ पे, यहाँ पोल लगे होंगे। अब देखना, इस पोल के सामने अगर मैं इसको बनाऊं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं, ये मैंने यहां पर एक नंबर खांचा लिया और ये मैंने यहां पर सात नंबर खांचे से निकाला। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ के सामने एक नंबर, साउथ के सामने सात नंबर, मतलब ऐसी स्थिति जब होगी, आप समझना, ये रोटर है, यहां से मैंने वाइंडिंग निकाली और यहां से मैंने वाइंडिंग डाली और यहां से निकाली, जब ऐसी स्थिति पैदा होगी, कैसी स्थिति, कि वाइंडिंग पोलों के सामने आ रही होगी, मतलब यहां पे खांचा ये इसके सामने आ रहा है और उसकी जो दूसरी मतलब एंट्री एक पोल के सामने, एग्जिट दूसरे पोल के सामने हो, ऐसी वाइंडिंग को बोलते हैं हम फुल पिच वाइंडिंग। कैसी बोलते हैं, फुल पिच वाइंडिंग। ऐसी वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं। पेन बदल लेता हूं थोड़ा। ये जो फुल पिच वाइंडिंग है, ये फुल पिच वाइंडिंग पेपर में पूछा जाता है, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री की बनती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री की। अब ये इसके पीछे वाला डिटेल्ड कंसेप्ट होता है, बात हम लोग अभी करना मुनासिब नहीं है। अगर मैं इस वाइंडिंग को एक से एंट्री कर रहा हूं और सात से एग्जिट कर रहा हूं, सात, ये तो मैंने एग्जांपल दिए हैं स्लॉट की संख्या के,
मतलब ऐसे खांचे से एंट्री कर रहा हूं जो एक पोल के सामने आ रहा है और ऐसे खांचे से एग्जिट कर रहा हूं, निकाल रहा हूं उस वाइंडिंग को जो दूसरे पोल के सामने आ रहा है। ऐसी वाइंडिंग को फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब मैंने इस वाइंडिंग को पहले निकाल लिया, कुछ मतलब 6 नंबर खांचा होगा वहां से निकाल लिया, ऐसी वाइंडिंग को बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग या फिर कॉर्डेड वाइंडिंग, ये जो एंगल डिग्री शॉर्ट करती है, मतलब जितने से एंगल से कम रह जाती है जब हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, अल्फा बोलते हैं उस एंगल को, और उसको बोलते हैं कॉर्डेड एंगल। क्या बोलते हैं? कॉर्डेड एंगल। मतलब फुल पिच वाइंडिंग अगर 180 डिग्री की है तो ये छोटी, ये इसकी डिग्री कम हो जाएगी। तो इतना जान लेना ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम ही बैठेगा हमेशा। तो सवाल पेपर में कैसा आ जाता है, क्या शॉर्ट पिच वाइंडिंग की इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 रहेगी? नहीं रहेगी। अब 180 डिग्री मतलब फुल पिच वाइंडिंग की, और ये जो 180 डिग्री है इसी को पोल पिच की भी डिग्री बोलते हैं। मतलब जो पोल पिच की डिग्री है, अब देखिए मैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली, मैं बहुत डिटेल में, जब फुल डिटेल लेक्चर होते हैं तो उसमें मैं बताता हूं, पोल पिच की डिग्री है तो वो 180 डिग्री होती है। तो जब पोल पिच की डिग्री है वो 180 डिग्री होती है, पोल पिच की डिग्री जब 180 डिग्री होती है तो जाहिर सी बात है शॉर्ट पिच कॉइल को मैं क्या कहूंगा कि शॉर्ट पिच कॉइल कहीं ना कहीं पोल पिच से कम होती है, क्योंकि पोल पिच 180 डिग्री की है। तो शॉर्ट पिच कॉइल मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन पोल पिच डिग्री होती है इसकी, मतलब पोल पिच की जो डिग्री है उससे कम डिग्री होती है इसकी। फायदे नुकसान क्या होते हैं, फुल पिच कॉइल यूज करनी चाहिए कि शॉर्ट पिच? फायदे नुकसान की बात करते हैं, फुल पिच कॉइल यूज नहीं करनी चाहिए कि करनी चाहिए? देखिए फुल पिच कॉइल के अलग अपने एडवांटेज हैं, इसके अपने अलग एडवांटेज हैं। फुल पिच कॉइल का एडवांटेज है कि ईएमएफ ज्यादा पैदा होता है, हाई ईएमएफ पैदा होता है, ये एडवांटेज है, फायदा है ये। बट इसका नुकसान ये है, डिसएडवांटेज ये है इसका, डिसएडवांटेज इसका ये है कि हार्मोनिक्स ज्यादा होते हैं इसमें, हार्मोनिक्स आर मोर, इसमें हार्मोनिक्स ज्यादा होते हैं, बहुत हार्मोनिक्स होते हैं फुल पिच वाइंडिंग में। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होता है, जो इसके नुकसान है वो इसके फायदे हैं। एडवांटेज क्या है शॉर्ट पिच कॉइल का? शॉर्ट पिच कॉइल के अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो हार्मोनिक्स यहां पे कम होंगी, हार्मोनिक्स माने अशुद्धि, लेस हार्मोनिक्स कम होंगी तो स्पार्किंग कम होगी, स्पार्किंग भी लेस। बहुत बार पेपर में भैया पूछा गया ये सवाल, मैं बोल रहा हूं आपको, ये सवाल पेपर में पूछा कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के क्या फायदे होते हैं, हार्मोनिक्स कम हो जाती है, स्पार्किंग कम होती है, लॉसेस कम होते हैं। अब आप खुद सोचो, जब इस वाइंडिंग को पूरे खींच के लेके आओगे और उसे छोटा खींच रहे हो तो छोटा खींचने में तार कम लगेगा, तार कम लगेगा तो रेजिस्टेंस उस तार का, देखो लेंथ कम होगी तार की, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप खुद देखिए, जब छोटा तार होगा तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो आई स्क्वायर लॉसेस कम होंगे, तो इसमें लॉसेस भी कम होते हैं। हालांकि ये जो फायदा है ये एक बहुत, हम चाह के नहीं चाहते हैं कि तार को छोटा करके लॉसेस कम हो जाएं, बट एक फायदा लिखा जाता है, ठीक है। जो मेन फायदे हैं कि स्पार्किंग कम होती है और हार्मोनिक कम होती है। देखो अशुद्धियां कम होंगी, अशुद्धियां कम होंगी तो स्पार्किंग भी कम होगी, ये शॉर्ट पिच के फायदे हैं। अब जाहिर सी बात है इसका नुकसान क्या होगा शॉर्ट पिच का, जो इसका फायदा था वो इसका नुकसान हो जाएगा, ईएमएफ कम पैदा होगा, ईएमएफ लेस पैदा होगा, पूरा ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो ये शॉर्ट पिच और फुल पिच कॉइल, ये वाइंडिंग जो टॉपिक आप देख रहे हैं बहुत डिटेल में होता है टॉपिक, बहुत डिटेल में होता है, बहुत बहुत मजे से हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक, क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग था, थोड़ा सा मेरे बारे में यहाँ पर, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। कम्यूटेटर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूं।
तो आर्मेचर कोर पर जो है खांचे बने होते हैं जिस पे आर्मेचर वाइंडिंग हो रही होती है। मैं अगर बात करूं कम्यूटेटर की, तो ये जो यहां पर जब ये वाइंडिंग आ रही थी ये उस तरीके से, ये 2 वोल्ट जो भी 2 वोल्ट या 3 वोल्ट पैदा हो रहा था, ये यहां जुड़ता है कम्यूटेटर पे। क्या कैसे जुड़ता है? कम्यूटेटर पे जुड़ता है, और कम्यूटेटर से लगे होते हैं ब्रश, इस तरीके से लगे होते हैं ब्रश बाहर निकालने के लिए। तो ये कम्यूटेटर है, मैंने अभी आपको कम्यूटेटर बना के दिखाया था इस तरीके से। मैंने कम्यूटेटर आप लोगों को बना के दिखाया था कुछ इस तरीके से। अब यहां पर मैंने बहुत सारे खंड बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लीजिए बना ली। यहां मैंने 2 ही बनाए हैं थोड़ा आसान रखने के लिए। अब यहां देखिए 1 और 2 है, बिल्कुल है सर। अब यहां जो 1 और 2 है तो क्या होगा, ये वाइंडिंग यहां से जुड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वाइंडिंग यहां पर जुड़ रही है, ये वाइंडिंग यहां पर जुड़ रही है, फिर ये ब्रश आ गए यहां पर। अब ये कम्यूटेटर यहां तो मैंने 8 खंड का बना दिया है, ये शाफ्ट हो गई, यहां मैंने 8 खंड का बनाया, यहां मैंने 2 खंड का ही बनाया, मतलब 2 सेगमेंट का बनाया। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि ये सेगमेंट किसके बनते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनते हैं। ये जो सेगमेंट है ये हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनते हैं। और ये जो 2 सेगमेंट है, मान लो 1 सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट, ये जो आपस में इंसुलेटेड है, ये आपस में टच नहीं है, ये किससे है? माइका से। अगर मैं आप लोगों को रियल रोटर दिखा दूं, आप लोगों को पता नहीं दिख नहीं पाएगा, ये ब्लैक ब्लैक जो है ना, ये माइका लग रहा है यहाँ पे, शायद अबरक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई थिंक हिंदी में, ये बीच बीच में ये माइका लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रॉन कॉपर और ये माइका का इंसुलेशन इसमें लगता है, आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोगों से पेपर में इसकी माइका की थिकनेस पूछी जाती है, इंसुलेशन की। जो माइका की थिकनेस है 0.8 mm है, याद रखिए 0.8 mm थिकनेस है। अब जब इसे घुमाते हैं, ये यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल लगते हैं, जाहिर सी बात ये घूमेगा तो इसमें EMF पैदा होगा। अगर मैं जनरेटर की बात करूँ, ये क्या है, बाहर टर्मिनल पर निकल आते हैं छोर। अगर जनरेटर है तो यहां पर आप वोल्टेज प्राप्त करेंगे, मतलब आउटपुट में पाएंगे। अगर अगर ये मोटर है, अगर ये मोटर है तो आप यहां पर वोल्टेज देंगे, ये बात का ध्यान रखना। मतलब ये डिपेंड करता है, मोटर है तो आप देते हैं वोल्टेज, चालू कर देना मोटर को, और जनरेटर है तो देते हैं इससे। अब देखो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग आके तो कम्यूटेटर के खंड पर लगी है, देखो इस तरीके से। अगर मैं इस वाइंडिंग को यह करके बना दूं, अभी इस वाइंडिंग की देखो संख्या गिनते हैं, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए यहां से हमने वाइंडिंग ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, ठीक है। अब आप बड़े ही ध्यान से यहां पर देखिए, ये कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब जितनी आर्मेचर, अब यहां पर देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं, तो जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ सेगमेंट रखने चाहिए कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल एक और क्या है, जो सबसे हॉट फेवरेट सवाल रहता है हर किसी का। यहां पर 2 सवाल बनता है, जनरेटर के लिए अलग, मोटर के लिए अलग। जनरेटर में कम्यूटेटर का रोल क्या है पता है आपको? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, मतलब रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। अब जाहिर सी बात है ये कोई स्विच तो है नहीं,
ये एक पार्ट है जो घूम रहा है और रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, तो इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर कह देते हैं, मतलब यांत्रिक रेक्टिफायर, कोई इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर नहीं कि स्विच की तरह काम कर रहा है, नहीं, यांत्रिक मतलब घूम के रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। और मोटर में कैसा काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर की तरह। अब जाहिर सी बात है मैकेनिकल इन्वर्टर भी बोल सकते हैं हम इसे। तो कम्यूटेटर का ये पेपर में पढ़ लेना बड़े ध्यान से, जनरेटर है तो एसी टू डीसी रेक्टिफायर और मोटर है तो डीसी टू एसी इन्वर्टर का काम करेगा। कभी कभी पेपर में क्या पूछता है, वो डीसी मशीन में यूं पूछ लेगा। अब देखो क्वेश्चन का अंतर समझना, जनरेटर पूछे ये, मोटर पूछे ये, पर वो पूछे कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या काम है, तब आप बोलोगे बोथ, मैकेनिकल रेक्टिफायर एज वेल एज इन्वर्टर। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप सब लोग यहां, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? तो आप लोगों का हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, आर्मेचर कोर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील वगैरह का हम लोग बनाते हैं आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की बनाते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग की डिजाइन में मैंने कई चीज बताई, पोल पिच, शॉर्ट पिच, कम्यूटेटर के बारे में मैंने एक जिक्र आपके सामने किया करके, ठीक है। बात करेंगे आगे भी लेके चल के। इसी कम्यूटेटर के ऊपर यहां पर लगा रहता है ब्रश, जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है। ये ब्रश बनता है, मैंने आपको बताया ये कनेक्टेड स्टेटर से, मतलब स्थिर रहता है, तो इसीलिए हम इससे स्टेटर में हम लोगों ने इसकी बात की थी। पर ये यहां पर छुला हुआ किससे रहता है, टच किससे रहता है, कम्यूटेटर से। तो कम्यूटेटर में जो भी करंट, देखो कॉइल से करंट बना, कॉइल से निकल के कम्यूटेटर से छुल के यहां बाहर निकल जाता है, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा करंट। तो ये ब्रश किसके बने होते हैं, कार्बन के और कॉपर के। याद रखना पेपर में ये पूछता है इस बात को कि कार्बन के ब्रश कब बनते हैं, कार्बन के ब्रश या ग्रेफाइट के ब्रश, याद रखिए। आपसे नॉर्मली पूछे तो आप कार्बन के ब्रश लगा के आना, पर आपसे पूछे वेरी हाई रेटिंग की मशीन के लिए तो वो कॉपर के ब्रश आप लगा के आएंगे वेरी हाई रेटिंग के लिए। तो आंसर क्या लगेगा, वेरी हाई रेटिंग के लिए कॉपर के ब्रश। याद रखिए कॉपर में कुछ नहीं, पूरे प्योर कॉपर नहीं होते हैं, अदरवाइज नहीं तो स्पार्किंग बहुत होगी। कॉपर और कार्बन का मिक्सचर थोड़ा सा रहता है इसके अंदर ताकि स्पार्किंग कम हो। कार्बन क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें चिकनाहट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जब इसे घिसता जाता है ना तो ये एक चिकनाहट सी छोड़ता जाता है जिससे स्पार्किंग कम होगी, याद रखिए। अदरवाइज नहीं तो तुम सोचो घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा स्पार्किंग होगी। तो ब्रश कार्बन या कॉपर के बनेंगे, कॉपर कार्बन जो है वो हाई रेटिंग के लिए लगाना, अदरवाइज नहीं तो कॉपर मत लगाना, लगाना क्या कार्बन ही लगाना। स्प्रिंग का दबाव आपसे पूछता है कि आमूमन कितना रखना चाहिए, तो 0.25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखना चाहिए जो स्प्रिंग का दबाव है। तो ये इसीलिए पूरा लेक्चर आप लोगों को देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट? जाहिर सी बात है शाफ्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो शाफ्ट क्या करता है, कोई भी मशीन है शाफ्ट क्या करता है, या तो उसमें मैकेनिकल इनपुट देने के काम आएगा। अगर किसकी बात करें जनरेटर की, जनरेटर को आप चालू करके आते हो ना अपने हाथों से, हत्थे से चालू करके आते हो जनरेटर को, तो जनरेटर में क्या काम करता है ये मैकेनिकल इनपुट का। और मोटर में क्या काम करेगा ये, फिर मोटर में क्या काम करता है, आप मोटर जब घूमती है तभी तो पानी चलता है या कोई भी चीज चलती है, मोटर घूमती है तो आपकी कोई भी, मान लो आप किसी खिलौने में मोटर लगी हुई है तो वो मोटर, वो खिलौना चलेगा कब, जब मोटर चलेगी, मोटर कब चलेगी जब उसका शाफ्ट चलेगा। तो इसका मतलब मोटर में यहां पर मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं आप शाफ्ट से, और मैकेनिकल इनपुट किससे देते हैं, जनरेटर से। अगर हम बियरिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है बियरिंग फ्रिक्शन कम करती है, दो तरीके की बियरिंग यूज होती है, बॉल बियरिंग और एक रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग कहाँ यूज होती है, लार्ज रेटिंग मशीन के लिए, लार्ज रेटिंग मशीन्स के लिए रोलर बियरिंग यूज होती है। और बॉल बियरिंग कहाँ यूज होती है, स्मॉल रेटिंग मशीन्स के लिए, छोटी रेटिंग मशीन्स के लिए, छोटी रेटिंग मशीन्स के लिए यूज होती है। क्लियर है इतना पॉइंट? ये सारी चीजें पूछ लेते हैं पेपर में आप लोगों से। देखिए माइल्ड स्टील वगैरह की शाफ्ट बना देते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने रोटर स्टेटर कंस्ट्रक्शन के बारे में पता किया, कौन किस मटेरियल का बना होता है, एक काफी हद तक हम लोगों ने
क्वेश्चंस भी कवर किए कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं, ठीक है। अब ये था पार्ट वन। पार्ट टू में हम लोग करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, टाइप्स क्या होती हैं, उससे जुड़ी हुई बातें, आर्मेचर रिएक्शन, फिर उससे समाधान उसका, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाना, इंटरपोल लगाना, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें।